दोस्तों इसको यहाँ पे अगर 5 सेकंड के लिए टैप करके रखोगे, जो अभी लाइट जल रही है ये बंद हो जाएगा, आपको चेक कराता हूँ। ये फाइनली आप चेक कर सकते हो दोस्तों, एयरबड्स बंद हो गया, ठीक है, इसकी लाइट बंद हो जाएगी। सिंगल टच दोस्तों इसका हमने डायलिंग पैड भी 4 बार क्लिक करके लास्ट नंबर डायल हो जाता है वो भी चेक करना है, और इसका जो माइक टेस्ट है वो भी चेक करना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जैसे लास्ट कोई नंबर आउटगोइंग जो आपने मतलब फ़ोन किया है, अगर लास्ट में जो आपने नंबर पर फ़ोन किया है 4 बार टच करोगे तो वो नंबर डायल हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। चलो इसको टेस्ट करके चेक करते हैं। आपको दोस्तों अगर आपको इसे परचेज करना है तो अगर आप इस पे ऑनलाइन पे जाते हो तो आपको हाय, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल पुष्पाकर। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल रियल स्माइल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हम आपके लिए TWS ईयरबड्स लेके हैं वो है यूबोन कंपनी का, यूबोन BT75 एलियन सीरीज, ठीक है दोस्तों। आपको एक बार चेक भी करा देते हैं, ठीक है, ये है एलियन सीरीज, ठीक है। और ये जो लॉन्च हुआ है वो अक्टूबर के एंड में लॉन्च हुआ है, ठीक है दोस्तों, अक्टूबर के एंड में ये लॉन्च हुआ है और हमने इसको परचेस भी कर लिया है, ठीक है। और ये आपको इसका रिव्यू दिखाएंगे, ठीक है, रिव्यू करेंगे इसका और अनबॉक्सिंग करके इसको माइक वगैरह टेस्ट करेंगे, माइक टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह भी, ये सारा कुछ चेक करके बताएंगे कितना वर्किंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसे आपको रेट वगैरह भी सारा कुछ इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसको ओपन करके चेक कराते हैं हम सभी को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास फाइनली बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अगर हम इस डब्बे की बात करें तो ये एलियन सीरीज़ आपका एयरबड्स है, ठीक है दोस्तों। और ये यूबोन की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है BT75, ठीक है, और इसको बोलते हैं एलियन सीरीज़। अगर आप 75 सर्च मारोगे यूट्यूब पे तो आपको पतला वाला जो पहले मॉडल आता था वो दिखेगा। अगर आपको इसको देखना है तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा एलियन सीरीज़, तब आपको ये पीस दिखाई देगा यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च मार के, ठीक है। एलियन सीरीज़ है बिल्कुल, मतलब कि एलियन का जो जहाज़ होता है जिसमें वो लोग बैठते थे, जैसा मैं मतलब टीवी में दिखाया गया है, ठीक है, मतलब कि मूवी वगैरह में बिल्कुल वैसा ये डिज़ाइन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, बाकी आप इधर से देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इसकी टेक्निकल जानकारी दी हुई है, ठीक है, और इसमें जो बैकअप लिखा हुआ है 30 आवर्स का लिखा हुआ है, ठीक है, पर 30 आवर्स तो चलता नहीं, आपको भी पता 30 घंटे कहाँ चलने वाला है, ज़्यादा चलेगा तो 20 घंटे 22 घंटे, ठीक है, ये आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ। इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है, ये नॉइस कैंसिलेशन भी इसके अंदर दिया हुआ है। और इसको चलो खोलते हैं, उसके बाद चेक करके आपको बताते हैं। क्या हिसाब है इसका, हिसाब खुल जाओ। चलो ये हमारे पास एयरबड्स आ गया है एलियन सीरीज़ का, ठीक है, आप चेक कर सकते हो चारों तरफ से, बिल्कुल सच में एलियन जैसे ही बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। पहले इसको ओपन करने से पहले थोड़ा आप देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको। रखो इसमें अपने को मिलता है एक, इसके अंदर अपने को सी टाइप की डाटा केबल देखने को मिलती है, ठीक है, और ये सी टाइप की डाटा केबल है। इसके साथ अपने को एयर टिप्स मिलते हैं 2 सेट, मतलब कि कुछ छोटे, एक सेट छोटा है एक सेट बड़ा है, जैसा आपके कान में फिट आए आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एयरबड्स के टिप्स आ गए, ये डाटा केबल आ गई, इसको रखते हैं साइड में दोस्तों। इसमें अपने को डाटा केबल के बाद एक कार्ड मिल जाता है, ठीक है, जो इसका लोगो वगैरह सिंबल टाइगर शॉफ बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी बुकलेट मिल जाती है, जो अदर मतलब इसमें और काफ़ी सारे कुछ देखने को मिल जाएंगे, निक बैंड वगैरह या एयरबोर्ड वगैरह जो कुछ अलग वैरायटी के हैं इसको छोड़ के। ये अपना गारंटी वारंटी कार्ड मिल जाता है, और ये अपने को इसमें मैनुअल बुक मिलती है, ठीक है, इसको फेंकना नहीं है आपको, जैसे नहीं नॉलेज है मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है कैसे इसको यूज़ करना है, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये देखो आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ के गाइड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर भी सारा कुछ लिखा हुआ है बैक साइड पर, आपको इसको पढ़ के अपना यूज़ कर सकते हो, ठीक हो, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बाकी मैं बता ही देता हूँ आपको। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बॉक्स पे कुछ जानकारी वगैरह भी हमें दी रखी है, वो आपको पढ़ के हम बता देते हैं, ठीक है।
इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी है। इसमें कंट्रोल टच है, वो तो आपको पता ही है। इसका ब्लूटूथ वर्जन की अगर हम बात करें तो 5.3 है, ठीक है। और जो इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो वो हमें 30 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन 22 से 22 घंटा चलेगा। और ईयरबड्स, मतलब कि ईयरबड्स जो ये है, ये ईयरबड्स है, जो इसकी बैटरी है वो 35 mAh की है। और जो केस है, ये पूरा जो केस है जिसके अंदर ये ईयरबड्स रखा हुआ है, ये 250 mAh का बैटरी बैकअप है इसका, ठीक है। 250 mAh की बैटरी इसमें लगी हुई है। जो इसका चार्जिंग का टाइम ये लोग कह रहे हैं, चार्जिंग का टाइम मतलब कि 1 से 2 घंटा कह रहे हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट चार्ज करोगे तो आपका चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंड बाई टाइम इसमें 400 आवर्स लिखा हुआ है, तो इतना तो होता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ 300 आवर्स होगा, मतलब जो बिना यूज़ किए चल सकता है। अब ये एलियन सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है आप बताइए, ठीक है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसमें अपने लाइटिंग मिल रही है दोनों में, और यहाँ पे भी ये एलियन जैसा फीलिंग पूरा आ रहा है, ठीक है। और इसको जी लो ओपन हमने कर लिया, ये कुछ देखने में आपको इस तरह लगेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, इसमें लाल सी बत्ती जल रही होगी, ठीक है। और अंदर से आप चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। एलियन टाइप ही दिया हुआ है पूरा इन्होंने, अच्छा लग रहा है। और इसमें चार्जिंग केस की बात करें, जो केस का चार्जिंग है सी टाइप की चार्जिंग दी हुई है, ठीक है। और इसका दोस्तों प्राइस वगैरह भी बताते हैं, पहले इसको ना चेक करते हैं, इसका माइक वगैरह टेस्ट करते हैं, इसका माइक कैसा चल रहा है, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों इसको यहाँ पे अगर 5 सेकंड के लिए टैप करके रखोगे, जो अभी लाइट जल रही है, ये बंद हो जाएगा, आपको चेक कराता हूँ। ये फाइनली आप चेक कर सकते हो दोस्तों, ईयरबड्स बंद हो गया, ठीक है। इसकी लाइट बंद हो जाएगी सिंगल टच करने पे, एक टच करने मतलब ऐसे आप टच करोगे तो उस पर आपका कॉल भी उठ जाएगा, कॉल कट भी जाएगा, और आपका जैसे गाना चल रहा है वो बंद हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। गाना चल पड़ेगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो गाना नेक्स्ट हो जाएगा, इस पर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो गाना नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट चलाना है तो 3 बार इस पर क्लिक करना पड़ेगा, 1, 2, 3, तो आपका गूगल असिस्टेंट भी चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जैसे लास्ट कोई नंबर आउटगोइंग जो आपने मतलब फ़ोन किया है, अगर लास्ट में जो आपने नंबर पे फ़ोन किया है 4 बार टच करोगे तो वो नंबर डायल हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। चलो इसको टेस्ट करके चेक करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं कि 4 बार टैप करने पे जो लास्ट नंबर हमने डायल किया था वो अपने आप डायल होता है या नहीं। पहले इसको हम पेयर कर लेते हैं, तो दोस्तों ये हमारा पेयर हो चुका है, कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं, निकल जा भाई, ठीक है। ये हमारे हाथ में आ गया अपना ईयरबड्स आ गया, ठीक है। चार से एक ये नंबर डायल करके देखते हैं, ये घंटे जा रही है, ठीक है। अब इसको कॉल कट कर लेते हैं, अब चेक करते हैं, 3 टैप पर डायलिंग नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, ये लास्ट नंबर हमारा डायल हो गया, आप चेक कर सकते हो। 4 बार में टैप पे, 4 बार टैप करने पर नंबर डायल होगा, चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों ये ब्लूटूथ मैंने इसके साथ अटैच कर लिया, अब इसकी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोग बताइएगा मेरे को, इसको मैं कान में लगा के चेक कराता हूँ। माइक्रोफोन इसका हम लोग चेक करते हैं, आप बताना इसकी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी आवाज़ अच्छी आ रही है तो संभव अच्छा है, इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसकी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोग जरूर बताना। अगर आपको इसे परचेस करना है तो अगर आप इस पे ऑनलाइन पे जाते हो तो आपको 1200 से लेकर 1300 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। अगर इसे आप शॉप से खरीदोगे तो 850 रुपए इसका मिनिमम प्राइस है और 900 रुपए मैक्सिमम प्राइस है। तो बेटर मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा, शॉप से जाके आप परचेस कर लो। अगर आप शॉपकीपर के पास अवेलेबल या पीस नहीं है तो 3-4 दिन अगर आपको रुकना पड़ेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट कर लो, आपको 400-500 रुपए आपका बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ईयरबड्स आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।